बट एक चीज मुझे बहुत बुरा लगा इस सॉन्ग का। हेलो गाइस, वेलकम है सभी लोगों का। तो आज हम कुछ अलग हटके करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं रिएक्शन। काफ़ी दिनों बाद रिएक्शन आ रही है और ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन स्काईलॉर्ड न्यू सॉन्ग, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था स्काई का। उसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आई होप कि तुम लोगों को मज़ा आएगा और हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो तुम एक बहुत ज़्यादा मास्टरपीस को मिस कर रहे हो। स्काईलॉर्ड ऑफिशियल सॉन्ग, जर्नी ऑफ स्काईलॉर्ड। देखो, इस सॉन्ग को हम सुनेंगे भी एंड इस सॉन्ग से रिलेटेड बहुत सारी बात मेरे को तुम लोगों को बतानी है। तो चलो यार, साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, म्यूजिक वगैरह कितना बढ़िया है। खड़ा है भाई तेरा मिली के मुकाम पे, तोड़े रिकॉर्ड मैंने बड़े चट्टान से, खुशी होती है काफी बात ये जान के, पीछे है रीजन शुरू से सुनो खेलनी गेम। ये जो सीन है ये कहीं इंदौर का है। जो लोग इंदौर के होंगे शायद उनको पता होगा, कोई स्कूल है उसके बगल में कोई पार्क है, उसका ये सीन है पूरा का पूरा। एंड इसका BTS भी शायद आएगा बहुत जल्द, वो देखने को तुम लोगों को मिलेगा पूरा का पूरा, कि कैसे शूट हुआ था, क्या हुआ था, बहुत सारे बिहाइंड द सीन तुम लोगों को पता लगेंगे, तो उसके लिए वेट करना। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बट कहीं ना कहीं ये बीच में रह गया, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। क्योंकि तुम इस सॉन्ग को देखोगे ना, तो इस सॉन्ग के इस पार्ट तक तुम देखोगे कि वीडियो है, उसके बाद जो है एडिटिंग है, क्योंकि ये सॉन्ग आधा अधूरा रह गया था, उसके बाकी की जो शूटिंग बाकी थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। एंड बाकी तो तुम लोग जानते ही हो, बट ये प्रोजेक्ट को अभी ने, यानी कि स्काई के भाई ने, भाई तुम समझो, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा उस बंदे ने, बहुत एफर्ट्स लगाई हैं उसने, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो। देखो, जो अभी है यानी कि स्काई का भाई, उसको बहुत लोग हेट देते हैं कि वो ऐसा वैसा, मतलब नहीं उसकी जगह ले पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई इंसान इतना ज़्यादा अपने अंदर, सोचो कितना, मतलब कितना पावर वो खुद के अंदर जमा किया होगा, जिसके बाद वो यूट्यूब पे आया होगा। वो चाहता छोड़ देता भाई चैनल वगैरह, बट आया वो यूट्यूब पे किसके लिए, ऑडियंस के लिए। उसके बाद ऑडियंस उसको हेट देगी। यार तुम लोग सच में बहुत बड़े पिकाचू हो फ्री फायर वालों। मैं आज तक कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बोला, उसके भाई के बारे में नहीं बोला, क्योंकि तुमको पता है मैं उस समय के बाद से ये टॉपिक से हट ही गया था, मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेट ये वो। बट अब मेरे को हेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ तुमको भी पता है। मैं हेट इतना झेल लिया ना भाई एक बार में ही, कि अब मेरे को जिंदगी में कोई कितना भी हेट दे दे, कोई भी पिकाचू आके, मेरे को घंटा फर्क नहीं करने वाला। रही बात स्काई के भाई की, देखो ये बंदा ना अभी नया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सब कुछ हर चीज़ में घुसेगा ये, ठीक है भाई, ये बंदा फाड़ के रख देगा, समझ रहे हो। बहुत मतलब छाया है ये बंदा स्काई का, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई है। तुमको पता नहीं, जीन जब होती है अपने लोगों की, तो जैसा उसके लोग होते हैं ना, उसी तरीके का वो बंदा होता है। एक फैमिली के अंदर तुमको पता होगा, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, जीन नॉर्मल सी चीज़, जब पिकाचू को नहीं पता होगा वो बात अलग है। तो वो इस बंदे का ना सेम टू सेम स्काई जैसा। और भाई कसम से बता रहा हूँ, अगर ये पूरे तरीके से फील्ड में उतर गया ना, रोस्टिंग और एक्सपोजिंग के, तो समझना भाई अच्छा अच्छा की मार के रख देगा बहुत बुरे तरीके से, समझ रहे हो। चलो प्ले करते हैं। थी ये मजे मजे में शुरू की परचेसी है, आज न थी तब वैसे की कम्युनिटी, लोगों में थी कम्युनिटी, खराबियां सो गुनी थी, मैंने भी गली गलत एक बार को चुनी थी, लॉन्ग गेम किया स्ट्रांग, बंदरों का झुंड बन गया किंग कॉन्ग, बंदरों से मेरा मतलब है जो हैकर जो करें ग्लिच इधर उधर जैसे पिंग पोंग, तभी से मैंने सोचा करूंगा एक्सपोज, किया मैंने स्टडी गेम को होके क्लोज, साथ खड़े थे ब्रोज हर समय सपोर्ट, आया मैं उस फील्ड में जहां पे आए मेरे जैसे रोज, पर मुझे करना था हट के कुछ, थाली में दाल से लाना था बढ़ के कुछ, भेड़ चाल से अलग माइक में आई झलक, तभी कंटेंट क्रिएटर की थामी सड़क, फिर सीखा गूगल से बना था ट्यूटर ये बना। लाइंस वगैरह कितने कितने ज्यादा बढ़िया हैं, तुम ये देखो। वीडियो ना इजी ना कोई नूडल, ये सीखा सब मैंने ए टू सी बैठे ऑनलाइन, ऐसे नहीं आती है वीडियो मेरी ऑन टाइम, खैर शुरू किया मैंने मेरा चैनल, मिले मुझे काफी डिसलाइक, डिसलाइक जो भी बोला मुझे तू है रॉन्ग, सुना नहीं क्योंकि पता था कि दिस इज राइट, एक वीडियो को प्यार भाई बहुत मंदिर का सीन, आगे बढ़ने का राह भाई गॉड मिला, उसी दिन दिखी खुद में वो स्पार्क, और उसी दिन कम्युनिटी को स्काई लॉर्ड मिला। ये सीन देखो, ये एंट्री देखो, अलग लेवल था ये, कसम से बता रहा हूँ। मिला उसी दिन दिखी खुद में वो स्पार्क, और उसी दिन कम्युनिटी को स्काई लॉर्ड मिला, बोले बाय बाय क्या सीन है ना, तगड़ा सा एकदम अलग लेवल पे। क्या बात है, जो भी मांग
मांगा तूने तेरे वो पास है। मैं भी देता फिर हंस के जवाब के अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। बोले बाय बाय तेरी क्या बात है, जो भी मांगा तूने तेरे वो पास है। मैं भी देता फिर हंस के जवाब के अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हुआ राउंड वन था पहले से गेम हाँ, इस करे गेम का जो जैसे मैं बैटमैन बना गॉड। ये सीन देखो, कई लोग तो एक्सपोज भी करने को आए मुझे खाली, वो जाते थे चेहरा सुझाए साले बंदे को डर क्या। जब एडिटिंग देखो भाई, तो कैसे मैं डर जाऊं ये कोई नेक्स्ट लेवल। इमारतें ना बने एक दिन में नेवर, और वो भी हा हा गेमिंग से लॉल। कभी जो मेरा उड़ाते मजाक थे आज वो मेरी तरह लगे गेमिंग में। मैं एलिवेटर में आया हूँ चढ़ के सीढ़ियों से, कर दिए लोग मैंने मोटिवेट वीडियो से। मारे ये डीएम करे कमेंट है तो ओपी प्लेयर, तो ध्यान क्यों दू मैं हेट करती कीड़ियों पे। और मेरा एम ही कुछ और था, मेरा गेम ही कुछ और था, खेले सब फेयर बस लेकर ना शोर था। लगातार वीडियो खुद से ही वॉर था, क्योंकि G69 को ग्रो करना और था। पिछले याद वो डे मुझे आया था जिस दिन आईडिया ये मुझे, कि मिलियन सब्सक्राइबर की इनकम पूरी की पूरी देनी है चैरिटी में मुझे। और देखो पूरे 8 थे महीने बीते, जी तोड़ मेहनत के बहाए छीटे, मिला प्यार हुआ मिलियन बार। मैं अकेला नहीं जीता, सभी के सभी यहाँ जीते। लगा कुछ भी, मतलब कुछ भी खराब है भाई, बट एक चीज मुझे बहुत बुरा लगा इस सॉन्ग का, लोगों का सपोर्ट भाई। इतना कम सपोर्ट, मतलब ट्रेलर जो आया था जिस दिन आया था उस पे 7 लाख व्यूज आ गए थे, इस सॉन्ग पे 4 लाख एक दिन के अंदर। यार कम है ये, इस बंदे के लेगेसी के आगे, इस बंदे को एक तरीके से ये ट्रिब्यूट है, ये ट्रिब्यूट सॉन्ग है। इसके ऊपर मतलब हर किसी को, तुम स्काई के सपोर्टर हो हेटर हो, एवरीवन देखना चाहिए था इस वीडियो को यार। मतलब बुरा लगता है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें ना बहुत बुरी लगती है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना है या सुन भी लिया है, वापस से जाना, सारे लोग मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वापस से जाना, वापस से सॉन्ग को सुनना, क्योंकि बहुत अच्छी सॉन्ग भी है। यादें भी ताज़ा हो जाती है एकदम से, सब कुछ फ्लैश होने लगता है आपके सामने। एंड साथ में तुम लाइक नहीं करे हो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना वापस से अगर नहीं करे तो। और जो लोग नहीं सुने भाई वो लोग सुनो यार। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे तुमसे फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और जाके भूलना मत चैनल को चेक करना, ठीक है, प्रियांशु के। और साथ ही साथ इस सॉन्ग को वापस से सुनना भी मत भूलना। बाय गाइज, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।